अबू धाबी में तीन दोस्त, जिनमें एक पाकिस्तानी, एक इंडियन और एक फलपाइनी इकट्ठे रहते थे, उन तीनों को एक जुर्म में 20-20 कोड़ों की सजा सुना दी गई। जिस दिन सजा पर अमल दरामद होना था, उस दिन वहाँ कोई कौमी त्यौहार था। काजी साहब ने ऐलान किया कि सजा तो लाजमी दी जाएगी, लेकिन हमारे कौमी त्यौहार की वजह से आप तीनों एक एक रियायत ले सकते हो। सबसे पहले फलपाइनी से पूछा कि तुम बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा कि कोड़े मारने से पहले मेरी कमर पर एक तकिया बांध दिया जाए। चुनांचे उसकी कमर पर तकिया बांधकर कोड़े लगाने शुरू कर दिए गए। 15-16 कोड़ों के बाद तकिया फट गया और बाकी कोड़े उसे अपनी कमर पर सहने पड़े। इसके बाद इंडियन की बारी आई। जब उसे पूछा गया तो उसने तकिए की हालत देखने के बाद कहा कि मेरी कमर पर दो तकिए बांध दें। चुनांचे उसकी कमर पर दो तकिए बांध कर 20 कोड़े लगा दिए गए। वो बहुत खुश हुआ कि सजा पर अमल हो गया, लेकिन बगैर किसी तकलीफ के। जब पाकिस्तानी की बारी आई तो काजी ने कहा, चूंकि तुम हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम भाई हो, इसलिए तुम्हें दो रियायतें दी जाती हैं, बोलो क्या चाहते हो। पाकिस्तानी बोला, पहली रियायत तो ये दें कि मुझे 20 की बजाय 40 कोड़े मारे जाएं। काजी और दीगर लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसी रियायत है। बहरहाल उन्होंने पूछा कि दूसरी क्या रियायत चाहिए। पाकिस्तानी बोला, मेरी कमर पर इस इंडियन को बांध दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।